अवैध मदिरा के विरुद्ध मऊगंज आबकारी की कार्रवाई, 4.5 लाख से अधिक की अवैध शराब जब्त। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए चलते इस वक्त की खास खबर की ओर। अवैध शराब बिक्री की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मऊगंज आबकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 4.5 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की। कार्रवाई के दौरान मऊगंज जिले के विभिन्न गांवों में छापामार कार्रवाई करते हुए 4460 किलोग्राम महुआ लहन तथा 130 लीटर हाथ भट्टी की मदिरा बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत 4,65,500 रुपए है। कार्रवाई के बाद जानकारी देते हुए उप निरीक्षक अर्जुन मेघवाल ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर ये छापामार कार्रवाई की गई है, जो लगातार जारी रहेगी। कलेक्टर महोदय मऊगंज एवं सहायक आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रह, आधिपत्य, विनिर्माण एवं क्रय विक्रय पर पाबंदी हेतु मुखबिर की सूचना पर गांव नईगढ़ी, महेवा, पहाड़ी एवं भीड़ में कुछ घरों में दबिश दी गई, जिसमें 4460 किलोग्राम महुआ लहन, 130 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत 11 प्रकरण कायम किए गए हैं। जब्त की गई महुआ लहन एवं हाथ भट्टी शराब की कीमत लगभग 4 लाख रुपये है। निर्देश अनुसार यह कार्रवाई आगामी चुनाव को देखते हुए